हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के एक फर्नीचर मोड के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। इस मोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अभी से डाउनलोड मत करने चले जाना क्योंकि आगे मैंने वीडियो में कोड दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप बढ़िया सा एक गेमिंग सेटअप भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हाउस को स्पॉन करते हैं। अलग अलग मॉडर्न हाउस को स्पॉन करने की अलग अलग कमांड होती है। ये हो गया मॉडर्न स्लैश हाउस वन। अरे कहाँ गया मेरा मॉडर्न हाउस? आ गया। ये है बीच अम्ब्रेला, इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये है बीच चेयर, इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी बनाते हैं हम अपना गेमिंग सेटअप। अभी गेमिंग टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर रख देते हैं अपना येलो मॉनिटर। ये टेबल थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा उस साइड से भी बड़ा कर देते हैं। अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी यहाँ पर आ गया है हमारा येलो माइक्रोफोन, सब कुछ येलो करेंगे गेम पीसी में। तो अभी हमारा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी आ गए हमारे ग्रीन हेडसेट, चलिए इनको पहन लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एक कैमरा, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी इस कैमरे को यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर ये बढ़िया लग रहा है। कैमरे के साथ यहाँ पर हमें लाइट मिल जाती है जो बहुत बढ़िया लगती है, और ये लाइट वर्क भी करती है। चलिए देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं करती। इसके नीचे टैप करने से ये ऑन हो जाती है। मुझे पता था ये नीचे से ऑन होता है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था। ये देखो ये है मैजिक क्यूब, इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये है एक येलो गेमिंग चेयर, इसको यहाँ पर रख देते हैं। इस गेमिंग सेटअप में मैंने सब कुछ येलो लिया है। तो अभी हम फ्रिज को लेते हैं और ऊपर चलते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। आप देख सकते हो कि ये फ्रिज वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिलता है, आप कुछ डाउनलोड करके देख सकते हो। इस एड ऑन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाओगे और थोड़ा स्क्रॉल करते जाना नीचे की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद आप यहां पर पहुंच जाओगे। आपको यहां से रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक को डाउनलोड कर लेना है और दोनों फाइल्स का रीनेम करके .zip को हटा देना है। अभी आपको यहां से इन फाइल को ओपन कर लेना है माइनक्राफ्ट में। ओपन करने के बाद आपको बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक को एक्टिवेट कर लेना है। और एक्सपेरिमेंट्स में जाकर सभी एक्सपेरिमेंट को ऑन कर लेना है और वर्ल्ड को क्रिएटिव में करके वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। अभी आप देखोगे कि हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर फर्नीचर मिल चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।